कौन से हैं फिजिकल एजुकेशन के? सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, ठीक है ना, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन। और इसमें से अगर कोई नहीं है दैट इज ऑक्यूपेशनल डेवलपमेंट। एक्चुअली ऑक्यूपेशनल वेलनेस इज देयर, नॉट अ डेवलपमेंट। वेलनेस के अंडर आता है ऑक्यूपेशनल, ना कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन के साथ आता है, ठीक है ना बच्चे। नाउ द सेकंड क्वेश्चन वाज देयर, इट इज द सम ऑफ दोज एक्सपीरियंसेस व्हिच कम टू इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। ऑब्वियसली दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, द सम ऑफ टोटल एक्सपीरियंसेस, हम जो एक्सपीरियंस करते हैं थ्रू द मूवमेंट्स एंड ऑल, ठीक है ना, बिग मसल्स एक्टिविटी, उन्हें हम फिजिकल एजुकेशन कहते हैं। द थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टी स्पोर्ट्स इवेंट। मल्टी स्पोर्ट्स के अंडर क्या चीज होती है बेटा? व्हाट इज अंडर मल्टी स्पोर्ट्स? इट मींस ट्रैक एंड फील्ड प्लस अदर गेम्स इंक्लूडिंग इन दैट। समझ में आ गया? अब जैसे फीफा लिखा था मैंने, ठीक है, फीफा इज रिलेटेड टू ओनली फुटबॉल, ओनली अ सिंगल गेम इज देयर। आईसीसी वर्ल्ड कप दैट इज रिलेटेड टू ओनली क्रिकेट, ठीक है, और ग्रैंड स्लम दैट इज फॉर द टेनिस। तो इसका मतलब सिर्फ मल्टी स्पोर्ट्स जो थे वो ओलंपिक ही थे इसमें। द रीजन इज दैट कि ये जो था ये मल्टी स्पोर्ट्स के अंडर क्या आता था। उसके बाद है FIBA वर्ल्ड चैंपियनशिप, ये आपको कप्स एंड ट्रॉफीज जो है या टूर्नामेंट्स जो है इनके बारे में पता होना बहुत ही जरूरी है, जो एटलीस्ट रिकमेंडेड इन योर सिलेबस है। उसके अलावा भी रादर होना चाहिए इंटरेस्ट थोड़ा बहुत, पर नहीं भी है तो एटलीस्ट यू मस्ट नो दोस कप्स एंड ट्रॉफीज एंड टूर्नामेंट्स। तो फीबा है, कई बच्चों ने मुझे लिखा है कि मैडम आपने गलत स्पेलिंग लिख दिया, फीफा होना चाहिए। नो, आई वॉज करेक्ट बेटा, इट इज फीबा, दैट इज रिलेटेड टू बास्केटबॉल, ठीक है। नेक्स्ट, विच इज नॉट रिलेटेड टू क्वालिफाइड फिजिकल एजुकेशन टीचर। मैक्सिमम ने YPED लिखा है, ठीक है, एंड दैट वॉज द करेक्ट आंसर। CPED इज सर्टिफिकेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन, MPED मास्टर्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन, BPED बैचलर ऑफ, ठीक है ना। तो इसमें से YPED जो है दैट इज नॉट एनी, वो जो है वो सर्टिफिकेशन इन योगा है बेटा, यहाँ कंफ्यूजन यही, तभी मैंने कहा था, ठीक है, कि वो जो है YPED जो है वो कोई ऐसे नहीं है। दोस कोर्सेज विच इज ऑफ 9 months और 1 year और 9 months के लिए हैं, वो सर्टिफिकेशन कोर्सेज हैं, दैट इज लाइक योगा, स्विमिंग, काफी सारे आर्ट लिविंग जो है आर्ट ऑफ लिविंग वगैरह। सी वाला मतलब CPED सर्टिफिकेशन फिजिकल एजुकेशन है, वो आफ्टर 12th होती है, बच्चों जो कर लेते हैं उसके बाद ये 1 year का कोर्स होता है, डिप्लोमा वगैरह। विच इज द करियर ऑप्शन इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन? दीज ऑल वर द करेक्ट आंसर। टीवी रिपोर्टर होना, मीडिया होना, कम्युनिकेशन होना, टीचर होना, एडमिनिस्ट्रेशन होना, ऑफिशियल्स होना, सारे अंडर किसके आते हैं? ये सारे के सारे फिजिकल एजुकेशन के किसके हैं बेटे? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है, करियर ऑप्शंस है। यू कैन अडॉप्ट एनी ऑफ करियर फॉर दिस। द ओलंपिक मोटो वॉज कॉइंड बाय, किसके द्वारा बनाया गया? हाँ, दैट वॉज बाय फादर डिडम। कॉवर्टीन नहीं है यहाँ पर, कंफ्यूजन मैक्सिमम को यही रही है कि शायद ये कॉवर्टीन ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन वॉज ओलंपिक फ्लैग ब्लू रिंग, यहाँ पर सबसे ज्यादा आया था, किस क्वेश्चन का आंसर छोड़ देना था, जस्ट टू सी द अलर्टनेस। कईयों ने एशिया भरा है, अमेरिका भरा है, क्यों यूरोप के भी? दो बच्चों का मुझे आया है, ठीक है, बाय रिटर्न आया है और बाकी सारे कंफ्यूज थे। ऐसा अगर हो तो नन भी कुछ भी नहीं लिख रहे कि लीव दैट, इट मीन्स यू नो, ठीक है। राइट द अमाउंट ऑफ अर्जुना अवार्ड, दैट इज 5 lakh। 5 lakh जो है वो अर्जुना अवार्ड का है। विच इज नॉट द वैल्यू ऑफ ओलंपिज्म? डिस्क्रिमिनेशन। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन, एक्चुअली उसकी वैल्यू जो है वो है फ्री फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन।
यहाँ पर मैंने सिर्फ डिस्क्रिमिनेशन लिखा था, वहां पर कोई ऐसा नहीं होता है, ठीक है? किसी भी तरीके के भेदभाव को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। दैट इज व्हाई गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर ऑलवेज डेवलप द क्वालिटी ऑफ फ्री फ्रॉम एवरीथिंग लाइक दिस, ठीक है? Whose honor were the ancient Olympic Games held? वो ज्यूस है, जी ज्यूस के फादर, ठीक है ना? ancient Olympic में सबसे पहला नाम ही ज्यूस का आता था। Which emperor banned Olympic Games? थियोडोसस ने जब एथेंस पे ग्रीस पे हमला करा और जीत गया तो उसने क्या कर दिया था? उसने इन चीजों को, क्योंकि एंशिएंट में जो ज्यूस या बाकी के थे उन्हें ये था कि फिटनेस, फिजिकल फिटनेस होनी बहुत जरूरी है, इसीलिए उन्होंने ये गेम्स पहले 2 दिन की, फिर 5 दिन की, फिर उसके बाद एक्सटेंड हुई हैं, ये गेम स्टार्ट की थी ताकि लोगों का फिजिकल फिटनेस चेक हो और ये हमारे लिए फाइट में या जब वार वगैरह हो तो ये फिटनेस हमारे लिए काम आए। लोगों को कंटिन्यू फिटनेस में रखने के लिए ये गेम्स करवाई जाती थी और इसकी ट्रेनिंग जो है महीना पहले दी जाती थी वहां जाकर। उससे पहले भी लोग करते रहते थे, लेकिन जहां पर भी ये गेम्स होती थी वहां पर 1 महीना उनको पहले बुलाकर उनको प्रैक्टिस करवाई जाती थी, ठीक है बच्चे? देन द क्वेश्चन वॉज विच इज नॉट द कॉम्पोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस? कौन सा नहीं है बेटा? फिजिकल, फिजिकल फिजिकल फिटनेस का फिजिकल थोड़ी होगा, फिजिकल के अंडर तो ये सारे आते हैं, ठीक है ना? देन विच टाइप ऑफ स्ट्रेंथ इज यूज इन पावर लिफ्टिंग? यस, मेनी मेनी स्टूडेंट्स वर कंफ्यूज इन दिस क्वेश्चन, या इसकी जो है आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपको मैंने बताया था बेटे कि आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ जो है, आइसोमेट्रिक आइसोकाइनेटिक, उसके बाद है आइसोटोनिक, कॉम्बिनेशन ऑफ दीज टू इज आइसोटोनिक। ये क्या चीजें हैं बेटा? आइसोमेट्रिक है, आइसो मीन सेम, मेट्रिक मीन्स लेंथ ऑफ द मसल्स, और ये बताया गया है, शायद मैंने आपको क्लास में ये एग्जाम्पल भी दिया था कि बेटे आप अपने घर में हो तो वहां पे खड़े हो जाओ एंड ट्राई टू पुश द वॉल, योर मसल्स विल एक्सर्ट, ठीक है? मसल्स भी एक्सर्ट करेंगे, लेंथ ऑफ द मसल जो है वो विजिबल भी नहीं होगी और आउटपुट भी जीरो रहेगी, ठीक है? पावर लिफ्टिंग में भी सेम है, दिस इज ऑल्सो यूज फॉर अ आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ, ये आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ के अंडर आता है। अब क्लियर हुआ बेटे ये क्वेश्चन? इज इट क्लियर टू यू ऑल? ये चीजें किताब में जब तक ध्यान से पढ़ोगे नहीं, और एमसीक्यू पहले होता था कि रिटन है, कुछ ना कुछ लिख देते थे, नाउ वेदर आर या पार है, या 1 नंबर है या 0 नंबर है हर आंसर का, ठीक है बेटा? नेक्स्ट है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ फ्लेक्सिबिलिटीज आर देयर? कौन कौन सी हैं? 2 टाइप्स की हैं, कौन कौन सी हैं? एक्टिव एंड पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है? स्टैटिक में भी जो आती है, इट मींस अ पीस ऑफ माइंड। यहां पर वेलनेस के दिए हैं, कौन सा पीस ऑफ माइंड कब होता है? स्पिरिचुअल स्पिरिचुअल वेलनेस। वेलनेस के अंडर ही हमारा क्या होता है बेटा? हमारा हमेशा स्पिरिचुअल वेलनेस में हम माइंड को शांत करने में, काम करने में, पीस करने में हमारी मदद या शांति हमें बख्शने में हेल्पफुल होता है। देन द क्वेश्चन इज, इट इज द एबिलिटी टू सस्टेन द वर्क फॉर अ लॉन्ग पीरियड। ऑब्वियसली एंड कॉन्टिन्यूस लॉन्ग पीरियड व्हाट सो एवर वर्ड विल बी देयर, ये मत करना लॉन्ग पीरियड है तो लॉन्ग ही, कॉन्टिन्यूस भी लॉन्ग पीरियड के अंडर ही आ जाता है। वो क्या होता है बेटा? दैट इज कॉल्ड अ एंड्योरेंस, एंड्योरेंस ठीक है? हमारे काम करने की क्षमता काफी देर तक सही तरीके से, धीरे धीरे जब हम काम को करते हैं उसे हम अपनी सहन शक्ति कहते हैं, जिसे हम एंड्योरेंस बोलते हैं, ठीक है? स्पीड भी होती है, ऐसी बात नहीं है। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल वेलनेस रेफर्स टू, दिस आल्सो कम्स अंडर द वेलनेस, टाइप्स ऑफ वेलनेस में इंटेलेक्चुअल का मतलब क्या है? रिलेटेड टू योर माइंड, योर व्यूज, योर पॉइंट्स, न्यू आइडियाज, न्यू इनोवेशन आंसर होना चाहिए था, व्यूज एंड
इनोवेटिव एंड न्यू आइडियाज. अब इसके बाद असर्शन का क्वेश्चन था एक बेटा. ठीक है बेटा, मैंने मैच द कॉलम इसमें नहीं दिया है, लेकिन मैच द कॉलम भी आएंगे, आपको पता है इस बारे में. असर्शन का क्वेश्चन में हमें नॉर्मली क्या करना होता है, वी हैव टू चेक दैट वेदर द फर्स्ट स्टेटमेंट सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो फर्स्ट से रिलेटेड है या नहीं है. यानी कि वो दोनों स्टेटमेंट हो सकता है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हो. एग्जाम्पल मैं जस्ट जनरल दे रही हूँ, नॉट रिलेटेड टू एनी वन. ही इज अ गुड बॉय, राम इज अ गुड बॉय, श्याम इज वेरी हैंडसम एंड दिस. द बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट, बट द सेकेंड वन इज रीजनिंग इज नॉट गोइंग विद द फर्स्ट वन. ठीक है, फिजिकल एजुकेशन कॉम्पोनेंट्स हेल्प टू डू द वर्क. तो अगर हमने रीजनिंग में लिख दिया फिजिकल एजुकेशन कॉम्पोनेंट्स आर दीज विच ट्राइज टू, तो वो क्या है, रीजनिंग दे रहा है कि ये हमारे कॉम्पोनेंट्स जो हैं वो हमें फिजिकल उसमें हेल्प देते हैं. क्लियर टू यू ऑल, क्लियर टू यू ऑल बेटा अबाउट दिस. नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट. बिफोर दैट आई वॉन्ट टू आस्क यू वन थिंग मोर, हैव यू परचेज अ बुक बेटा? क्योंकि मुझे पता चला कि अभी तक आपने बुक भी नहीं, कई बच्चों ने परचेज की हुई है या आपके पास पुरानी वाली ही है. इट इज अवेलेबल इन द मार्केट नाउ. ठीक है, यू कैन गो फॉर एनी बुक, वेदर एसपी इज देयर, कैंडिडेट देयर, मुनीश कुमार की है, एवरग्रीन की है, सरस्वती की, कोई भी लो, ठीक है, माधव की है, सब है. आपने सिर्फ कंटेंट्स चेक करने हैं जो आपको सिलेबस में लिखवाए गए थे कि क्या वो सारे उसके अंदर हैं. और जो अब न्यू एडिशंस आ रही हैं उसमें प्लीज एक चीज और चेक कर लेना, उसमें एमसीक्यूज भी दिए हुए हैं, असर्शन क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं. ठीक है बेटा, ये बात भी जरूर देख लेना, जो ओल्ड एडिशंस हैं उसमें ये चीजें नहीं थी, न्यू पब्लिशिंग में आ रही हैं. प्लीज अगर आपने परचेज करनी हो तो इन चीजों को जरूर चेक कर लेना बिफोर परचेजिंग, ताकि तुम्हारी मनी और तुम्हारी एनर्जी दोनों वेस्ट ना हो. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट चैप्टर और फॉर द रिवीजन ऑफ नेक्स्ट चैप्टर. ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो टेस्ट है वो हमारा दो चैप्टर्स में से है, एक किसमें से है, CWSN. ठीक है, यानी कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CWSN का क्या फुल फॉर्म क्या होती है, चौकी. अच्छा मैडम सारे चौकी, ये वर्ड पड़ा हुआ है कहीं पे, कभी सुना है? यस मैम. ये क्या है, ये काव्य की आवाज आ रही है मुझे, ये वर्ड का क्या फुल फॉर्म है? हाँ जी बेटा, चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स. हाँ, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड. अब स्पेशल नीड, और तुम्हें पता है आजकल पहले हम लोग ना या एक एप्रोप्रिएट इनको वर्ड दे दिया गया बेटे, सच टाइप्स ऑफ जो पीपल आर देयर उन्हें हम दिव्यांग कहते हैं. क्या कहते हैं बेटा? दिव्यांग कहते हैं. पहले आम तौर पर हम इनके लिए बड़े अजीब शब्दों का प्रयोग करते थे जो सुनने में भी उन्हें शायद बहुत पेनफुल रहते थे. ठीक है, अब इसको विकलांग नहीं बोलते हम, अंधा नहीं बोलते, नेत्रहीन नहीं, कुछ नहीं, इन सबको एक कैटेगरी में डाल दिया गया है और वो है दिव्यांग. अगर इसका आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो तो जो इस वीक का कल तक का जो करोड़पति आ रहा था उसमें जो गर्ल आई थी, ठीक है ना, शी वॉज वॉट ब्लाइंड थी, उसकी पावर ऑफ विजन जो था वो बिल्कुल खत्म हो चुका था. नो डाउट अर्लियर शी वॉज गुड, बट वेन शी मेट विद एन एक्सीडेंट ऐसा हुआ. तो क्या है, उसके बाद भी ऐसे लोगों से मोटिवेशन लेना या ऐसे लोगों को देखना या इन्हें अप करना, ये किसकी ड्यूटी है? ये पेरेंट्स और सोसाइटी की है. और उसने इसमें कहा है कि मेरे पेरेंट्स का और बाकियों का बहुत बड़ा हाथ है, और इसके अलावा वो खुद भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में हेल्प कर रही है. ठीक है, इनके लिए जो प्रॉपर वर्ड है वो दिव्यांग है, विकलांग नहीं होता है, कोई और शब्द नहीं प्रयोग किया जाता है, केवल और केवल दिव्यांग किया जाता है. ठीक है, हमारे समाज में ऐसे लोगों के लिए इंटेलेक्चुअली जो या डिसऑर्डर या डिसेबिलिटी वाले जो लोग थे बेटे, उनके लिए नॉर्मली क्या किया जाता था, पहले लोग कहते थे दोज हु आर डेफ, डम, ठीक है, ब्लाइंड, नॉट एबल टू, डिसेबिलिटीज हैं, या हम उन्हें वर्ड्स भी यूज करते थे, बेचारा, ठीक है,
जो उन्हें डिमोरलाइज हो जाता था या सिंपैथेटिक वे ग्राउंड आ जाते थे. नो, इसके लिए जो स्टार्ट किया गया है वो है इंक्लूसिव स्टडी. इंक्लूसिव एजुकेशन का मतलब है इंक्लूड करना, आम लोगों के साथ अंडर सिंगल रूफ ऐसे लोगों को भी साथ में मिलाना और उन्हें एजुकेशन देना ताकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो, वो समाज में एक नई जगह अपनी बना सके या रह सके, या और दे नेवर फील ऑड विद द अदर. जिसका लाइव एग्जांपल हमने कल ही देखा है और मैं दो दिन से देख रही थी उस लड़की को जो करोड़पति में आई है. ये क्या है, जब हम इन लोगों को एक्सेप्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि इनके एक वीक पॉइंट के साथ बाकी काफी पॉइंट जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग होते हैं. दे कैन ऑल्सो डू द मिरेकल्स. अगर आपने कंप्यूटर का पढ़ा हो, क्या नाम था उसका, ठीक है, जिसकी डेथ हुई है, जिसने कंप्यूटर का पूरा आविष्कार किया है या पूरा, वो क्या है, उसकी वॉइस भी नहीं सुनी जाती थी, कुछ नहीं, एंड ही इज द ओनली फादर ऑफ, ये व्हील चेयर पर था वो खुद, ठीक है ना. तो ये क्या चीजें हैं, दे कैन डू द मिरेकल्स, लेकिन हम इन्हें क्या करते थे, हम इन्हें साइड पे कर देते, साइड पे. इसी का एग्जाम्पल फिर आपने देखा होगा कि कैनेडी शिवर ने दिया था, यूनाइस ने, उसने क्या किया था, जब मेंटल रिटायर्डेड बच्चों को देखा था, उसने अपने घर के बैकयार्ड में समर कैंप लगाया, वहां पर इन बच्चों को कलेक्ट किया और उसने फील किया कि ये जब कंपनी में होते हैं या फिर अच्छे लोगों के साथ होते हैं तो दे फील, इन्हें मोटिवेशन मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है और ये भी कोई ना कोई काम कर सकते हैं. और उसके बाद ही आपको पता है कि स्पेशल ओलंपिक स्टार्ट किया गया. और कभी भी कंफ्यूज मत होना, वन मोर थिंग विच आई वांट टू टेल यू, आम बच्चे जो हैं पैरा ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक में कंफ्यूज रहते हैं. No doubt they are, both are in a category, but are distance. Paralympic के जो founder रहे हैं वो कौन है, Gutmann, ठीक है ना, Gutmann कह सकते हो, Ludwig कर सकते हो, सर Ludwig पूरा नाम ना लिखो तो, ये दोनों इनके लिए है. और स्पेशल ओलंपिक जो है वो क्या है, स्पेशल ओलंपिक जो है उसके फाउंडर कौन रहा है, अभी बोला है मैंने, शिवर्स, यूनाइस, कैनेडी, श्रीवर, ठीक है ना, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका थे, जॉन कैनेडी के सिस्टर थी. अब इसमें और भी कई हैं, ठीक है मित्रा. अब स्पेशल ओलंपिक को स्पेशल इंडिया में होने के कारण पहले स्पेशल ओलंपिक इंडिया कहा जाता था, फिर इसका नाम बदल के स्पेशल ओलंपिक भारत किया गया, ठीक है बेटा. इनके क्या होता है, इसके फुल फॉर्म है आईपीसी का मतलब क्या होता है और पीसीआई का क्या मतलब होता है. अब क्या किया, एडेप्टिव एडेप्शन में होता है किसी चीज को लेना, ठीक है ना बेटा. अब जब इन लोगों को आपने पढ़ा था कि पैरालंपिक में गुटमैन ने मेडल स्ट्रोक में क्या किया था, इंग्लैंड में इंडिया ब्रिटिश में इनके जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में, उसके बाद उसने महसूस किया कि ये सोल्जर्स जो है ये तो डिमोरलाइज हो गए हैं बिकॉज ऑफ द प्रॉब्लम्स दे हैव, ठीक है ना, जो मोटिवेट है. अब प्रॉब्लम ये थी कि हाथ नहीं है या गेहूं के पैर नहीं है, कुछ और प्रॉब्लम मॉडिफाइड है, सब कुछ इनके अकॉर्डिंग किया गया इनके तरीके से. और आज का तो रिसेंट आप देख रहे होंगे कि सारे पैरालंपिक जो चल रहे हैं, आप अभी भी देख लो टीवी पर, आज में जाकर तो कुछ ना कुछ मिलेगा, तुम उससे इजिली लर्न कर सकते हो. लाइव एग्जाम्पल ऑफ डिस्कशन है, ठीक है ना बेटा, थोड़ी सी अवेयरनेस रखो. और गोल्ड मेडल देखो, कितने गोल्ड मेडल, सिल्वर और ब्रॉन्ज इंडिया ले रहा है, ठीक है, पैरालंपिक में जॉब चल रही है टोक्यो में. तो क्या किया,
modification and rows, modification and improvements, giving them a support, giving them as a on the confidence, giving them a self-esteem for learning, and then these are things. ये चीजें क्या है ये गुड मैनेज है उसके बाद स्पेशल ओलंपिक के थ्रू इसे इनहेंस करने के लिए चीजों की हेल्प आता है एक आईसीएस आईसीएसटी इसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल कमेटी ऑफ इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ अगेन आई एम रिपीटिंग आईसीएसडी दैट इज इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट्स फॉर द डेफ ठीक है सर उसके लिए सीनियर कितने एथलेटिक इवेंट्स वगैरह तो क्या करते हैं उसके बारे में अंडरस्टैंड करते हैं ना इन चीजों का गेम्स जो है उनके बारों को ठीक है उसे प्रमोट किया गया और इनकी टीम काफी सारी टीम्स भी हैं बच्चे जैसे एथलेटिक है हैंडबॉल्स है रोड साइकिलिंग है बीच वॉलीबॉल तो भी एक है इसलिए कि पालों को बॉडी तो पूरे है ना उनके तो वो इस चीज को इसमें ही कर सकते हैं अब जो इंक्लूजन वाली है इंक्लूसिव स्टडी है उसमें क्या क्या चीजों की जरूरत सबसे पहले जो हमारी मेंटली फिट डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जो फाइल या गैप है उसे रिड्यूस करो ताकि इनके साथ कई लोगों को देख कर बड़ा हम इसके साथ मेरा भी या स्ट्रॉन्ग या कुछ है नो यू जस्ट टेक जो है वो इनके प्रति पॉजिटिव होना चाहिए सिंपल टेक्निक नहीं होना चाहिए पर पॉजिटिव जरूर होना चाहिए Because when you are in a sympathetic behavior to anyone, क्या होता है उसके अपनी qualities जो है वो और down भी कहीं हो जाती है या उसका ground वैसे ही बन जाता है कि इस तरीके से मैं कर सकता हूँ या ऐसे नहीं strong बनाना है किसी को behavior wise है किसी को उसकी qualities को बाहर निकालना है कि social skills emotional जो qualities है उनको लेके आना है और ये काम फिजिकल एजुकेशन में कैसे होता है बच्चों के द्वारा कोच के द्वारा या टीचर के द्वारा ठीक है या उन्हें साइंटिफिक ट्रेनिंग देनी उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स का होना फॉर्मेशन ऑफ रूल्स फॉर्मेशन जो है ये सब अब ऐसा है कि इसमें भी कई तरीके के प्रोफेशंस होते हैं ठीक है इन लोगों के लिए वो कौन से हैं स्पीच थेरेपिस्ट है जो हेल्प करता है ओरल डिसऑर्डर का मतलब है बोलने में जब किसी को प्रॉब्लम होती है तो हम उसे काम करते हैं ओरल डिसऑर्डर के अंदर कि उसे हेल्प स्पीच थेरेपी में कई बार हमने देखा है कई बच्चे कोई कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनको नहीं बोलते या कई दूसरे वर्ड को उसकी जगह प्रयोग करते हैं तो इन द स्टार्टिंग और ड्यूरिंग टाइम हम काफी हद तक ये थेरेपिस्ट होते हैं उन्हें स्टार्ट या सिखाते हैं अगर आपने ब्लैक देखी हो जिसमें हेलन केलर टोटली ही एफटी डब्ल्यू ठीक है उसके बाद ब्लाइंड थी और उसके बाद उसने डेवलप किया तो व्हाट इज दैट उसके टीचर यहाँ पर दिखते और उसके बाद उसे मुंह से बुला करता
ठीक है ना, हवा देते थे अपना हाथ पर उसका नाम देते थेरेपिस्ट रीच थेरेपिस्ट काफी कम बच्चे का यही नहीं पता चलता कि वो कह रहा है, क्योंकि जब तक वो सुनेगा नहीं वो बोलेगा नहीं, और किसी के लिए कनेक्टिविटी रहती है, ठीक है ना। उसके बाद है फिजिकल एजुकेशन, जो उन्हें फन एक्टिविटीज, दूसरी एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करवाकर उनके मोरल को, आप उनकी जो फ्लाइट से प्रॉब्लम्स हैं उनको भी और इंटरेस्ट भी होता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं जनरल थेरेपिस्ट। कई बार हमने देखा है कि डिफॉर्मेटीज होती है, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स होती है चलने में, जिसका स्टार्टिंग में थोड़ा ध्यान दें, लेकिन उसे आसानी से या काफी हद तक जा सकता है, ताकि उसके गेम्स में या डेली के वर्किंग में हिंड्रेंस ना या ऑब्स्टिकल ना हो, जिसके कारण उसकी वर्किंग जो है वो स्मूथ रहे, ठीक है ना बेटा। ये चीजें आप, मैंने आपको पहले भी बताया था कि साइंटिफिक वे चाहे पुराने लोगों को नहीं पता था हमारे, लेकिन उस टाइम कुछ चीजें बहुत अच्छी थी, जैसे मसाज करना। व्हाट इज मसाज? इट इज अ टाइप ऑफ वार्मिंग अप फॉर द चाइल्ड, क्योंकि उसे खुद तो थोड़ी भागना दौड़ना या वार्मिंग अप, उसका क्या होता था हाथ करना था, फिर तक किया जाता था मसाज, क्योंकि उससे सब कुछ बॉडी जो है वो बढ़ जाती है। बच्चे को रोने देना, उससे रेस्पिरेटरी और लंग्स की फंक्शनिंग बढ़ जाती है। उसके बाद क्या करते थे, बच्चे को नहलाकर अच्छे से टॉवल उसको बांध दिया जाता था। Why? Just later on, खोलने से रिलीफ मिलता था और उसकी सर्कुलेशन और उसका रिलैक्स बॉडी का होना बहुत अच्छा हो जाता था। लेकिन उसके साथ साथ ये था, जब हम उसकी बॉडी के पार्ट्स को अच्छे से बांध के सुलाते थे, तो जो थोड़े बहुत मसल्स होते हैं बोन्स बनती है या हार्ड हो जाते हैं मसल्स, उसमें रेटिफिकेशन हो जाता, ठीक हो जाती थी थोड़ी बहुत माइल्ड, अगर प्रॉब्लम्स भी नहीं होती थी उसके अंदर ठीक हो जाती। लेकिन ये उनको साइंटिफिक नहीं पता था, दैट वाज अ थिंग फॉर देम। तो हाउ टू मेक आवर चाइल्ड ग्रोथ, उसकी करने में ग्रोथ और डेवलपमेंट में बहुत हेल्पफुल रहता था। उसके बाद में काउंसलर की आजकल जो है वो बहुत जरूरत मानी जाती है, बिकॉज ये नहीं कि पेरेंट्स घर में बड़े बुजुर्ग पहले बोलते थे लेकिन हम सुनते हैं या उन्हें काउंसलर नहीं कहते, थोड़ा सा टेक्निकल ऐड करना, थोड़ा सा प्रॉब्लम्स पेरेंट्स का टाइम ना होना, स्केसिटी ऑफ टाइम जो है वो क्या करते हैं पेरेंट्स का, काउंसलर्स वगैरह आगे में बच्चों के माइंड को सेट करने के लिए या नहीं पढ़ना या उन्हें ऑब्जर्व करना कि उन्हें कोई ऐसे प्रॉब्लम तो नहीं है। धीरे धीरे आपको वो जो प्रश्न आएगा, तो कई ऐसे प्रॉब्लम जो हैं जो हमें कभी महसूस ही नहीं, ठीक है। इन चीज़ों को कॉन्स्टेंट जो है वो काफी हद तक अगर कर सकते हैं तो इम्प्रूवमेंट का कर लेते हैं। देन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते हैं जो सेंसरी प्रोसेसिंग में, कोऑर्डिनेशन में इन लोगों की हेल्प होती है, ठीक है बेटा। ये चीजें क्या है, नॉर्मली